रुड़की के मेहवड़ गांव के पास एक जंगल में धारदार हथियार से युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक प्रेमी युगल को कलियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित प्रवीण गिरी आरोपी प्रेमी युगल के बीच बाधा बन रहा था, जिससे आरोपी विकास कश्यप बेहद गुस्से में था। तभी आरोपी ने पीड़ित प्रवीण गिरी को रास्ते से हटाने का ताना बाना बुन लिया था। विकास कश्यप ने बीती 27 जुलाई को तांत्रिक बनकर प्रवीण गिरी को जंगल में बुलाया और उसे तमाम समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। जैसे ही प्रवीण गिरी जंगल में पहुंचा तो आरोपी ने धारदार चाकू से उस पर हमला बोल दिया, जिससे चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने घायल प्रवीण गिरी को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया था। कलियर पुलिस तभी से आरोपी की छानबीन करने में जुटी हुई थी। दरअसल दौलतपुर गांव निवासी प्रवीण गिरी गांव की रहने वाली एक छात्रा को चाहने लगा था, जो इंटर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन प्रवीण गिरी का प्यार एक तरफा था। इसी बीच छात्रा की दोस्ती सहारनपुर निवासी विकास कश्यप से एक शादी समारोह में हुई थी। इसके बाद चुपके चुपके दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन प्रवीण गिरी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कई बार छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर डाली। गुस्साई छात्रा ने इसकी शिकायत आरोपी विकास कश्यप से की। विकास मारपीट की बात सुनते ही आग बबूला हो गया और उसने प्रवीण गिरी से बदला लेने की ठान ली। कलियर थाने में पूर्व में ये 307 का मुकदमा था। एक प्रवीण गिरी एक लड़का था जिसके गले पर चाकू से वार किया गया। शुरुआत में ये मामला एक तांत्रिक का ही लग रहा था, जैसे सब लोगों के द्वारा बताया भी गया, दिखाया भी गया, चैनलों में भी चला। बाद में सीओ रुड़की और एसओ कलियर और इनकी टीम द्वारा जब इसका पड़ताल की गई, जब सीडीआर का एनालिसिस किया गया और इसके आसपास लोगों से पूछताछ की गई, तो ये बाद में मामला प्रेम संबंधों का निकला। उसमें प्रेम संबंधों में ये जो लड़का है प्रवीण गिरी, ये ऑब्स्टिकल के रूप में आ रहा था। तो जो अभियुक्त है इसमें गिरी विकास कश्यप, उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। अभी अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके द्वारा जो बताया गया है उसमें ये था कि ये जो विकास कश्यप है, ये एक लड़की जिससे प्यार करता था, उसके बीच में ये जो लड़का था प्रवीण गिरी, ये एज ए ऑब्स्टिकल आ रहा था। उसको रास्ते से हटाने के लिए ये पूरी एक साजिश की गई और उसको हटाने के बाद ही ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा आला नकद मौके पर छोड़ के भाग गया। अभी अभियुक्त द्वारा सारी चीजें स्वीकार की गई हैं और हमने अभियुक्त और सहअभियुक्त जो लड़की है उसको भी अरेस्ट किया है, दोनों ही हमारे कब्जे में है। तो ये मामला तांत्रिक का ना होके प्रेम संबंधों में हत्या के प्रयास का मामला है। देवभूमि न्यूज रुड़की।